बारे में कुछ पता है? हाँ, कुछ कुछ पता है। नानी कह रही थी कि सूर्य को एक बड़ा सा राक्षस अपनी मुट्ठी में छुपा लेता है। भैया दादी, दादी कुछ और कह रही थी। हाँ दादी तो यह कह रही थी कि चंद्रमा को राहु निगल जाता है। अरे अरे तुम तो झूठी बता रहे हो, ये सब असलियत की बातें थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ कहानी की बातें हैं। चाहे तो चलकर बुआ जी से पूछ लो, कौन डरता है, चलो चलो। बुआ जी, विक्रम कह रहा था कि सूर्य ग्रहण के समय एक बड़ा सा राक्षस सूर्य को अपनी मुट्ठी में छुपा लेता है, और अमन कह रहा था कि चंद्र ग्रहण के समय राहु चंद्रमा को निगल जाता है। बड़ी कहानियाँ सुनाने लगी हो आजकल। नहीं, ये मेरी दादी बता रही थी बुआ जी। बेटी वो कहानी सुना रही होंगी, चलो मैं तुम्हें असलियत में बताती हूँ ये क्या चीज है। ठीक है, ऊपर देखो आसमान है ना। जी बुआ जी। यहाँ पर क्या क्या दिखता है तुम्हें? चंदा, सूरज दिखते है ना, और ये क्या है गुनगुन? ग्लोब। ग्लोब तो है, लेकिन ये किस चीज का प्रतिरूप है? पृथ्वी का। ठीक है, ये किसका प्रतिरूप है बेटा? पृथ्वी का। ठीक, और पृथ्वी क्या है? एक एक ग्रह है। अच्छा चलो, तुम लोगों में से कौन बताएगा कि कुल कितने ग्रह होते हैं? मुझे मालूम है बुआ जी। हाँ? कुल 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण। अरे वाह, इसको तो पूरे 8 नाम याद है। चलो, जो ऊपर हमें आसमान में दो चीजें तुमने बताई, एक सूरज और एक चांद, उसमें से पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चांद। शाबाश, एक बात ठीक हुई कि पृथ्वी का उपग्रह हो गया चांद, और सूरज क्या है? एक तारा है। शाबाश, देखो सूरज क्या है? एक तारा है, ये ग्रह नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें एक चीज जरा करके दिखाती हूँ। काश मेरे पास एक मोमबत्ती होती तो मैं बहुत अच्छे समझा देती। माचिस तो मेरे पास है। अरे भाई, ये तो गुनगुन की तरह छोटी सी मोमबत्ती है। चलो इसी से बताने की कोशिश करते हैं। देखो कहीं गेंद पड़ी हुई, कहीं देखे तो लाओ। बुआ जी मेरे पास है। ओहो, तुम तो जादू का पिटारा। ठीक है, ये हो गई गेंद, ये हो गई मोमबत्ती, लाओ इसको जलाने की कोशिश करते हैं। जरा समझ आ गई गुनगुन, ये क्या है बेटा? चांद। शाबाश, और ये क्या है? सूरज। अरे भाई, गुनगुन की समझ में आ गया अब तो। ठीक है, अब हम चक्कर लगवाएंगे। ठीक है, और सूरज क्या है? एक तारा है, ध्यान रखना इस चीज को। हमेशा एक उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये जब इसके चारों ओर घूमता है, और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक सीध में आ जाते हैं, ठीक है, कोई एक विशेष दिन होता है जहां पर जब ये सीध में आते हैं तो बन जाता है बिनु, क्या बनेगा? चंद्र ग्रह। भैया गलत हो गया थोड़ा सा, देखो ध्यान रखना, मैं प्रश्न पूछूंगी बाद में। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या बन जाएगा? सूर्य ग्रहण। शाबाश, और अगर यही चंद्रमा खिसकते यहाँ आ गया और ये बीच में आ गई ऐसे करके, तो ये क्या बन गया बेटा? बुआ जी मैं बताऊँ, ये चंद्र ग्रहण बना। ये तो बहुत होशियार हो गया भाई। ठीक है, अच्छा अब केवल बताएगी गुनगुन। गुनगुन बेटा, ये क्या हुआ है, सूर्य ग्रहण है कि चंद्र ग्रहण है? चंद्र ग्रहण। ठीक है, और अगर यही चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो क्या हो जाएगा बेटा? सूर्य ग्रहण। याद रखोगे? ठीक है, बहुत आसान से तो बता रहे हैं हम। ठीक है, आप समझ में आ गया? अच्छा चलो, अब इसको रख देते हैं, अभी इसको बुझा दो। शाबाश, फिर बुझो ये। ठीक है, इसको यहाँ रख दो। अच्छा अब ये बताओ कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या तुम्हारी अम्मा कह देती है कि जाओ फटाक से खूब आंख बड़ी बड़ी करके देखो सूर्य ग्रहण को? नहीं, अम्मा मना करती है। अम्मा मना करती है? मेरी अम्मा कहती है कि तुम अंधे हो जाओगे। हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या बन जाएगा? सूर्य ग्रहण। शाबाश, और अगर यही चंद्रमा खिसकते यहाँ आ गया और ये बीच में आ गई ऐसे करके, तो ये क्या बन गया बेटा? बुआ जी मैं बताऊँ, ये चंद्र ग्रहण बना। ये तो बहुत होशियार हो गया भाई। ठीक है, अच्छा अब केवल बताएगी गुनगुन। गुनगुन बेटा, ये क्या हुआ है, सूर्य ग्रहण है कि चंद्र ग्रहण है? चंद्र ग्रहण। ठीक है, इसको यहाँ रख दो। अच्छा अब ये बताओ कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या तुम्हारी अम्मा कह देती है कि जाओ फटाक से खूब आंख बड़ी बड़ी करके देखो सूर्य ग्रहण को? नहीं, अम्मा मना करती है। अम्मा मना करती है? मेरी अम्मा कहती है कि तुम अंधे हो जाओगे। हाँ, ये क्या? अरे बुआ जी, ये तो मेरा एक्सरे है। तुम्हारी अम्मा से मांग के ला रहे हैं बिटिया ये तो हम। ठीक है, ये एक्सरे है तुम्हारा, और
अगर अभी ये चीज करके दिखाएं फिर से। बिनु ये पकड़ो, लाओ फिर से सूरज बना देते हैं मोमबत्ती को, बुझाओ। ठीक है, अगर ये सूरज है, ठीक है, और अब गुनगुन दिखेगी, गुनगुन तुम इसको ऐसे देखोगी तो तुम्हारे आंखों पे जोर पड़ रहा है कहीं? नहीं बुआ जी। और अगर ऐसे देखोगी तो जोर पड़ता है ना? जी बुआ जी। ठीक है, और सूरज तो आग का गोला है, सोचो उसमें कितनी रोशनी होती है। ठीक है, तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसकी सीधी रोशनी से बचाने के लिए, ठीक है, इसलिए अम्मा कहती है कि तुम नंगी आंखों से मत देखो उसको, तुम एक इसके माध्यम से देखो। अब तो तुम्हारी आंखों पे चोट नहीं पड़ रही जी, देखो तो। नहीं बुआ जी। अच्छा, अब इसको दिखा दे, देखो तो बेटा। जी बुआ जी। बिनु तुम देखो बेटे। नहीं पड़ रही बुआ जी। अब समझ में आया? तो जब बुझाओ इसको, जब सूर्य ग्रहण होगा तो तुम क्या करोगे, कैसे देखोगे सूर्य ग्रहण को? हम एक्सरे या धूप के चश्मे से देखेंगे। शाबाश। अच्छा, और कोई प्रश्न है आपका? बुआ जी मेरा एक प्रश्न है, अम्मा कहती हैं कि सूर्य ग्रहण से पहले अपना सारा खाना खत्म कर लो, उसे बचाओ मत, ऐसा क्यों बुआ जी? बेटा ये तो सब कहानी की बातें हैं, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो, क्या सूर्य ग्रहण वाले दिन तुम स्कूल नहीं जाती हो? जाती हो, और हम भी पढ़ाने जाते हैं विद्यालय में, और ऐसे ही तुम्हारी चाची ऑफिस जाती है शहर, ठीक है ना बुआ जी? तो सूर्य ग्रहण से या चंद्र ग्रहण से हमारी जीवन की गतिविधियां तो नहीं रुकती हैं, ठीक है। और मान लीजिए चंद्र ग्रहण भी हो रहा है तो भी कोई ऐसा नहीं है कि हमें कुछ खास इसके लिए प्रयोजन करने चाहिए, क्योंकि ये तो प्राकृतिक घटनाएं हैं। ब्रह्मांड में सूरज चंद्रमा की स्थिति जो पृथ्वी के सामने हो जाती है, ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें तो और जागरूक होना चाहिए, उत्सुकता से देखना चाहिए। और जब चंद्र ग्रहण हो तो खूब अच्छे से देखो, दूरबीन के माध्यम से देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास के शहर में कहीं पर नक्षत्रशाला हो वहां जाके देखो तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। क्या गुनगुन को आज का खेल समझ में आया? जी बुआ जी। बहुत अच्छे से समझ में आया जी। चलो फिर से पूछते हैं, गुनगुन बताएगी कि अगर ये सूरज है और वो गेंद चंद्रमा है तो बताओ सूर्य ग्रहण कैसे होगा? ये देखो, अगर ये चंद्रमा और ये सूरज के पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो ये क्या बना बेटा? चंद्रमा। बोले भाई तुम फिगर बन गए। सूर्य ग्रहण। ये पृथ्वी, ये चंद्रमा और ये सूरज, अगर पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या हो जाए? सूर्य ग्रहण। समझ में आया गुनगुन? बहुत ध्यान से सुना करो बेटा। और अगर सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। आप समझ में आया? ठीक है, ठीक। अब अगली बार जब हम लोग मिलेंगे, बुझाओ इसको, तो तुम्हें और बहुत सारी ब्रह्मांड के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी देंगे, ठीक है जी? ठीक जी। और पढ़ के आना, और अपनी जो तुम्हारी ये किताब है ना, इसको भी तुम खूब अच्छे से पढ़ना घर में, और फिर और नई नई किताबें लेके आना, और अपनी एटलस लेके आना, ठीक है? अच्छा चलो।